सो की हालचाल भाई लोग। तो कैसे आज के वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हुए देखे होगी, जो मतलब बता सकते हो कि पीएम मोदी है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनने हमारे जो मतलब एक अभी उनका जो परीक्षा पर चर्चा है 2.0, जो मतलब मैं तो अपने स्कूल में पहली बार देखा था। मतलब स्कूल में हमारे दिखाया जाता है वो तो हर साल है ना, तो इस साल भी दिखा रहे थे। तो गाइस सब अचानक से जो मूवमेंट बना वो तो आपने देख ही लिया होगा, वो मैं आपको बता दूँ क्लिप के बाद तो आप देख ली। अगर जिसने नहीं देखी वो देख लो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, देख लीजिए आप क्लिप क्लिप, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या है ये, कैसा क्या है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? तो गाइस लिटरली गाइस प्रधानमंत्री भी जो हमारे पीएम भाई सब जानते हैं कि भाई हर लौंडा क्या कर रहा है, मतलब पबजी खेल रहा है। मतलब मेरे को तो लगता है सारे पीएम भी खेलते होंगे भाई, मैं अपने प्रधानमंत्री कैसे रख सकते भाई, पबजी का क्रेज़ है भाई हर जगह। तो भाई अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी सोच लिया होगा कभी ना कभी मस्त टेबल के नीचे कभी कहीं पर भी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना गुस्सा हो जाएंगे लोग बात इसलिए। तो गाइस मैं भाई लेकिन जो जवाब देना ये पबजी वाला है, उसकी लाइन है ना, हमारे स्कूल मतलब हम भी बैठ के देख रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे ना, पूरे स्कूल देख रहा था मान लीजिए है ना, तो जो शोर मचा ना यार भाई हमारे स्कूल में, तो ऐसा मैंने तो भाई चिल्ला दिया जय पबजी वे पबजी सब चिल्ला दिया भाई, इतना फनी मोमेंट बन गया था भाई बहुत ही ज़्यादा लिटरली गाइस यार, मतलब ये अपने बेस्ट यार बेस्ट ये पबजी भाई पबजी, ऐसा कोई कौन बोल सकता है यार भाई अपना में से, मतलब कोई भी पीएम ऐसे कैसे बोल सकता है कि ये पबजी वाला है क्या, मतलब फनी क्या अच्छा मस्त बनाया है यार भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया ये लाइन सुन के। और आप अब देख लीजिए इसका जो मतलब इसके बाद फिर क्या सीरियस जवाब दिया था है ना, तो भाई इसमें को तो लगा कि कुछ अलग जवाब आएगा, लेकिन गाइस बहुत ही पॉजिटिव जवाब दिया है हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक जवाब दिया गया है कि टेक्नोलॉजी से अगर दूर होगे तो तुम खुद की लाइफ से दूर होगे ये सब। तो भाई उनका सीधा कहने का मेरे हिसाब से तो मतलब यही है कि आप पबजी खेलो, लेकिन गाइस अब क्या है कि भाई अब बहुत सारे लोग खेलते बहुत ज़्यादा ही हैं कुछ गाइस, जिसको भी एडिक्शन है गाइस अब तो भाई क्या कर सकते हैं हम, लेकिन गाइस अब जिस जिसको एडिक्शन उनके लिए तो पीएम मोदी भी कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते है ना, उन्हें बस तो बस ये बताया कि टेक्नोलॉजी से मतलब अपन को रूबरू होना चाहिए ये सब वो सब, मतलब गलत यूज़ नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी का ये सब। और तो वैसे आप देख लीजिए जो उन्होंने क्या बोला है पूरा, तो वो तो मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। हाँ तो गाइस देखते हैं अब उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था उसके रिस्पॉन्स में। या तो फ्रंट लाइन वाला होगा, ये समस्या भी है समाधान भी है, हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे मां बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे,
तो पहला काम तो आप किसी को रोक ले। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स ने भी बार। तो गाइस पीएम मोदी ने तो ये साफ सा मतलब यही बताया इस मतलब पूरे जवाब में कि मतलब अपन को टेक्नोलॉजी से मतलब ये सब ये गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स जो सब है उनको ये बोला चाहिए कि उनसे बातें करो, उनको अप्रिशिएट करो टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन गलत यूज़ मत करने। तो ये सब बताया बस पबजी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन गाइस कुछ भी कहो यार, लिटरली बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी गाइज, मैंने पूरी स्पीच सुनी थी हम लोगों ने तो गाइज, लेकिन बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी पूरी भी जितनी भी थी। लेकिन गाइज यार कुछ भी कहो, जो वही पार्ट था ना ये पबजी वाला है कि भाई ये सबसे इस पूरे स्पीच की आज तक सबसे अच्छी उनने जो लाइन बोली मेरे हिसाब से, तो भाई बिल्कुल ना सही टाइम पे बिल्कुल इतनी करी तरीके मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उनने सब बताया कि मतलब उनने पूरा जो आंसर था उसको पूरा एक डाइव पूरा अच्छे से ले लिया उसे करके, है ना, कि टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड बना दिया कि ज़्यादा कुछ पबजी के बारे में बोला नहीं। गाइस ये तो बहुत सही किया। तो गाइस मेरे को तो लगता है कि भाई पबजी मोबाइल कुछ बैन तो होने नहीं वाला है, लेकिन गाइस अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन बढ़ रहा है। लेकिन गाइस मैं इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि गाइस ये तो मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी जिसमें गुजरात वाले पर बताया था गुजरात में पबजी मोबाइल बैन हो चुका है, आप देखना है तो वो मैं आईकॉन है जो ऊपर उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा, तो गाइस आप वो भी आप देख लेना और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि गुजरात में कैसे पबजी मोबाइल बैन हो रहा है। तो गाइस यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो और मज़ेदार वीडियो गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने जो भी भाई बंधु हैं उनके साथ शेयर कर देना। और तो गाइस चलिए गाइस बाय बाय, हैव फन एंड प्ले पबजी।